हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है राहुल झा और यूट्यूब के इस हिंदी वर्ड चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं आधार यूसीएल के नए जो वर्जन आया है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है आधार यूसीएल के नए वर्जन के बारे में, तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो नया वर्जन आया है उसमें क्या नए फीचर जो है ऐड हुए हैं और जो है उसमें क्या जो है नई सेवा आई है। दोस्तों, अगर आप भी इस नए UCL सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं, इसके नए फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को जो है लास्ट तक का देखते रहिए। दोस्तों, इसमें बहुत सारी नई सर्विस ऐड हुई है जो कि आपको जानना बेहद ही जरूरी है, जो कि और आपको बेहद ही फायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जहां हमारा वीडियो प्ले होता है तो इस तरीके से एक सब्सक्राइब बटन आपके सामने आता है। आपको यहाँ इस पे क्लिक करना है और हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बेल का निशान बन के आएगा, आपको उस पे क्लिक करना है और चेकमार्क लगा के सबमिट कर देना है। दोस्तों, आपको इससे क्या फायदा होगा कि जितने भी वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड करेंगे सबका जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आधार का जो सॉफ्टवेयर है यूसीएल का, इसमें कुछ नई सर्विस ऐड हुई है जो कि जैसे कि पहले इसमें क्या होता था कि केवल मॉर्फो डिवाइस ही चलती थी, और अब इसमें क्या हुआ है कि अब जो है इसमें कोजेंट और मंट्रा डिवाइस को ऐड किया गया है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, तो जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ पे देखिए कुछ और डिवाइस को ऐड कर दिया गया है। जैसे कि इसमें पहले क्या था कि यहाँ पे पहले मॉर्फो डिवाइस ही चलती थी, और यहाँ पे जो दो डिवाइस तो और थी, सिक्वेजन की और ऑथेंटिकेट की, ये डिवाइस भी चलती थी। लेकिन अब इसमें क्या हो गया है कि जिनके पास कोजेंट का CDS 200 डिवाइस है, तो वो भी अब क्या करेंगे, इस UCL सॉफ्टवेयर का यूज कर पाएंगे। और जिनके पास मंट्रा MFS 100 ये भी डिवाइस है, तो वो भी क्या करेंगे, UCL सॉफ्टवेयर का यूज कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको पास जो है इनमें से कोई भी डिवाइस है, तो आप क्या कर सकते हैं, UCL का सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था कि ये जो है डिवाइस नहीं चलती थी, तो मेरे कई BLE भाई ये पूछते थे कि सर हमारे पास कोजेंट है तो क्या वो UCL के लिए सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, पहले सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन जो नया इसका वर्जन आया है 3.30। और दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं जो है अपने ब्लॉग में डाल दूंगा, तो आपको क्या करना है, हमारे ब्लॉग से अपना csc.gov.blogspot.com से क्लिक करके वहां पे आपको UCL सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, हमारे जो है इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक बार अपने ब्लॉग का एड्रेस दिखा दूं, तो देखिये यहाँ पे आपको हमारे ब्लॉग पे आना है, आप एड्रेस देख सकते हैं हमारे ब्लॉग का, और आपको इस ब्लॉग को ओपन करना है। जैसे आप इस ब्लॉग को ओपन कर लेते हैं, आप एक बार इसका एड्रेस देख लीजिए, अपना csc.gov.blogspot.in, ठीक है। तो आप इसे ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा UCL डाउनलोड। तो आप क्या करिए, इस UCL डाउनलोड पे क्लिक करिए और जो है UCL इस नए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इस पे कौन कौन डिवाइस सपोर्ट करती है। तो मैंने पहले जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे देखिए, ऐसे हम इसको ओपन करते हैं इसको, यस, तो ये देखिए ओपन हो रहा है यहाँ पे UCL, और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दूं, सॉरी बैक, और यहाँ पे सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको मंट्रा MFS 100 और 3M कोजेंट CDS 200 ये भी मशीन इसमें ऐड हो चुकी है। तो इनके जरिए भी आप क्या कर सकते हैं, UCL सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए, हमने इसे अपने कंप्यूटर में जो इंस्टॉल किया है और इसे इसका रजिस्ट्रेशन भी किया है, तो हम इसका क्या आपको बता देते हैं कैसे इसका इंटरफेस आपके सामने आएगा और जो है आप इसे कैसे लॉग इन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इसमें एक बार बता दूं कि अगर जो इसमें आप जो है पहले यहाँ से आप UCA को ओपन करते थे, तो अब इसमें वो फीचर्स यहाँ से हटा दिया गया है। अब यहाँ से आपको UCA के जरिए रजिस्टर नहीं करना होगा और ना ही आपको एडमिनिस्टर पे जो है अपना एक यूजर नेम बनाना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको एडमिनिस्टर बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ही अपने आधार कार्ड के जरिए इसे लॉग इन करना है। जो आपके आधार के कोऑर्डिनेटर है उनसे क्या कर सकते हैं, आप इस सॉफ्टवेयर को जो है रजिस्टर करा सकते हैं। दोस्तों, एक रजिस्टर कराना बड़ा ही सिंपल है। तो चलिए हम सीधे इस सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं और इसे लॉगिन करते हैं और फिर जो है आपको बताते हैं। तो आप इस नए आधार UCL के सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैं इसे ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए इसका जो है आइकॉन है। चलिए ऐसे ही ये ओपन हो जाता है, तो मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाता हूँ। तो देखिए, नया सॉफ्टवेयर है, इस तरीके से आपके सामने आएगा। जैसे आप इसे लॉगिन करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना ऑपरेटर UID डालना है, यानी कि जो आपका आधार नंबर है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर अपना आधार नंबर डालना है और नीचे अपना जो है ऑपरेटर आईडी डालना है। ये ऑपरेटर आईडी आपका यूजर नेम ही होता है, जो कि आपको जो कि CSC जो आधार कोऑर्डिनेटर होते हैं, तो वो आपको ये ऑपरेटर आईडी देते हैं, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। और नीचे आपको अपना नाम डालना है, ऑपरेटर नेम नीचे डालना है आपको, और लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके अपना जो है अंगूठा आपको स्कैन कराना है। अंगूठा स्कैन कराने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है।
तो चलिए यहाँ पे हम सीधे लॉग इन करते हैं और फिर जो है आपको इसका कैसा खुलता है हम आपको ये दिखाते हैं। तो देखिए जैसे ये लॉग इन हो जाता है, ये खुल जाता है, तो इस तरीके से आपके सामने इसका इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें इसमें बड़ी ही आसानी से आप कोई भी करेक्शन कर सकते हैं आधार कार्ड से संबंधित, और बड़ी ही आसानी से आप इसमें कोई आधार कार्ड अगर प्रिंट करना चाहते हैं थंब के जरिए तो वो भी आप इससे प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत कम होगी तब भी ये सॉफ्टवेयर जो है यूसीएल चल जाएगा, और अगर आपका जो है बार बार डी रजिस्टर हो जाता है, और वो दोस्तों ये जो नया सॉफ्टवेयर है इसमें वो कमी को दूर कर दिया गया है, तो आपका जो है बार बार डी रजिस्टर नहीं होगा। दोस्तों ये बड़ा ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि नया अभी अपडेट हो गया है यूसीएल का नया वर्जन। और दोस्तों इसकी एक खास बात जो कि मैंने पहले ही आपको बताई है कि जो है इसमें कोई भी डिवाइस आप चला सकते हैं, चाहे मंट्रा चाहे सीडीएस 200 और मोरको तो जो है पहले से ही चलता था। तो दोस्तों और इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं आधार कार्ड तो आपको यहाँ इस पे क्लिक करना है। तो देखिए जैसे आप यहाँ इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने प्रिंट आधार का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं अपने आधार कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं अगर किसी आधार कार्ड को आप प्रिंट करना चाहते हैं। दोस्तों एक कम से कम अगर आपके इंटरनेट की स्पीड होगी तो भी ये प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो इस तरीके से आप क्या करिए इसे इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर में। और दोस्तों इस सॉफ्टवेयर का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और अपने ब्लॉग पे भी डाल दूंगा, तो आप कहीं से भी इस यूसीएल के नए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों मैं अपनी अपनी जो है अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको जो है इंस्टॉलेशन करनी है अपने कंप्यूटर में इस यूसीएल सॉफ्टवेयर की। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों जानकारी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।